हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फ्रास क्लब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड के बारे में। रन स्ट्रक्चर विजार्ड मॉडल क्रिएट करने का वन ऑफ द मेथड है। इससे पहले मॉडल क्रिएट करने के कुछ मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, देन ट्रांसलेशन रिपीट मेथड हो गया, स्नैप नोट बीम मेथड हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड की, कि रन स्ट्रक्चर विजार्ड हमारे जो बाकी मेथड है उनसे ज्यादा बढ़िया क्यों है, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि जो रन स्ट्रक्चर विजार्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, जो ऑलरेडी मॉडल्स बने होते हैं। तो उनको हम एक एक करके अब देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, देन क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, देन फाइल नेम हम डालेंगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले स्नैप नोट बी मेथड को हम ऑफ कर देते हैं। तो रन स्ट्रक्चर विजार्ड के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ज्योमेट्री में, देन नीचे हमारा एक ऑप्शन दे रखा है रन स्ट्रक्चर विजार्ड, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें मॉडल टाइप दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें मॉडल यहाँ पे गिवन है, जैसे कि ट्रस मॉडल, फ्रेम मॉडल, सरफेस प्लेट मॉडल, सॉलिड मॉडल, कंपोजिट मॉडल्स एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्रस मॉडल की, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये जो ट्रस है इसे मुझे अपनी वर्कस्पेस के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो गई है, तो उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मॉडल नेम आप जो भी देना चाह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि इसकी लेंथ कितनी रखनी है ट्रस की, देन ट्रस की हाइट कितनी रखनी है एंड इसकी विड्थ कितनी रखनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ बेस कितने रखेंगे आप अलोंग लेंथ एंड नंबर ऑफ बेस अलोंग विड्थ। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, क्लिक ऑन अप्लाई बटन, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ट्रस फॉर्म होकर आ जाएगा। अब आप मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई मॉडल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, लेकिन अब आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसी मॉडल के ऊपर ही डबल क्लिक कीजिए आप, देन आपको वापस से विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप वो यहाँ से सिंपली कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन अगेन। अब इस मॉडल को हमारी वर्क स्पेस में इंसर्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए इसे एंड क्लिक ऑन यस ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ट्रस है वर्क स्पेस में आपका इंसर्ट हो गया। तो इससे होता क्या है, एक तो आपका काफी टाइम सेव होता है, क्योंकि अगर हम ये मॉडल बनाते तो हमें काफी टाइम लगता। जैसे कि इसके अलावा मैं और अगर मॉडल की बात करूं जो मेरे ऑलरेडी प्री डिफाइंड है रन स्ट्रक्चर विजार्ड में, तो इसे हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, देन अगेन गो टू ज्योमेट्री रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो ट्रस मॉडल्स तो हमने देख लिए, डिफरेंट डिफरेंट ट्रस हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। देन इसके बाद हम बात करते हैं तो फ्रेम मॉडल्स की, यहाँ पे कुछ हमें फ्रेम दे रखे हैं, जैसे कि अगर मैं बे फ्रेम की बात करता हूँ तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन जो बे फ्रेम की मुझे लेंथ लिखनी है डेट इज 12 मीटर, हाइट 15 मीटर एंड नंबर ऑफ बेस ये हम रख लेते हैं अभी, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, G+3 स्टोरी बिल्डिंग आ गई विद बेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पूरी बिल्डिंग बनी हुई मिल रही है, मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्रिएट हो चुका है, तो इस तरीके से वर्क करता है। देन इसके अलावा इसमें अगर हम और चीज देखते हैं, तो यहाँ पर हमें सर्कुलर बीम भी गिवन है, डबल क्लिक ऑन इट। तो सर्कुलर बीम यहाँ पे इसका पूछा है कि रेडियस कितना लेना है, तो रेडियस हम 5 मीटर ही मान लेते हैं, एंड एंगल जो सर्कुलर बीम दे रहे हैं हम वो 360 डिग्री पे दे रहे हैं पूरा, तो 360 डिग्री एंगल यहाँ पे डाल दिया। नंबर ऑफ बेस अलोंग पेरीफेरी, उसकी पेरीफेरी के अलोंग यानी कि उसकी जो सर्कमफेरेंस है उसके अलोंग हमने कितने नंबर ऑफ बेस रखने हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डेट इज 10 एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, एक सर्कुलर बीम फॉर्म हो गई, ठीक है, ये इसका पेरीफेरी हो गया एंड पेरीफेरी के अलोंग हमने नंबर ऑफ बेस कितने लिए थे, 10, तो हमारे 10 यहाँ पे स्पैन बन गए। देन इसके बाद हम इसमें और देख लेते हैं, जैसे कि रिवर्स सिलेंडर, तो रिवर्स सिलेंडर के लिए भी वही सेम स्पेसिफिकेशन है, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा एक सिलेंडर फॉर्म होके आ गया। और ये तब आपका काफी ज्यादा यूज में आएगा, जैसे कि अगर आप वाटर टैंक बना रहे हो, इंडज़े वाटर टैंक हो गया, उसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पे स्टेजिंग पहले से ही डिफाइन होके आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्क करते हैं। देन फ्रेम मॉडल के बाद अगर हम बात करते हैं सरफेस या फिर प्लेट मॉडल की, तो इसमें जैसे कि अगर हमें बनाना है डोम बनाना है, तो डोम के क्या करेंगे, हम स्फेरिकल सरफेस यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन टाइप यहाँ से स्फेरिकल कैप लेंगे, डायमीटर ऑफ स्फेयर हम 20 मान लेते हैं एंड बेस डायमीटर हम मान लेते हैं यहाँ पे 18, देन डिविजन इतने ही रखते हैं हम, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। तो यहाँ से हमारा एक डोम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कितना ईजी है यहाँ पे कुछ भी मॉडल क्रिएट करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्री डिफाइंड है, पहले से ही इसमें बने हुए हैं, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अब इस मॉडल को इंसर्ट करने के सीधा आप यहां से क्लोज कर दीजिए, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन।
तो आपका यहाँ पे डोम क्या आ गया, वर्कस्पेस में इंसर्ट हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर इसका रेंडर व्यू देखना चाहें तो इसका आप रेंडर व्यू भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो आई होप आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड यूज करना आ गया होगा, और अपने मॉडल में जितना ज्यादा हो सके आप रन स्ट्रक्चर विजार्ड की आदत डालिए, जिससे कि जो आपका स्ट्रक्चर बनाने का टाइम है उसको आप रिड्यूस कर सकें। थैंक यू।